हाय एवरीवन, हमारे नागपुर की फेमस डिश आमरस और सेवई, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ मैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इतनी डिलीशियस लगने वाली है ये रेसिपी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 किलो आम है। आप कौन से भी वैरायटी के आम ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आम के ऊपर का जो छिलका है उसको हटा लेना है, और ये जो आम का रस बनने वाला है वो किसी मैंगो आइसक्रीम से कम नहीं लगने वाला है। तो आप ज़रूर से एक बार इसको ट्राई करिएगा। इस तरह से मैं इसका सारा छिलका हटा लूँगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ऊपर का छिलका ही हटा लेना है आपको, पतला। और अभी देखिए मैं क्या करूँगी, इसको अभी हम काट लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे, स्मॉल साइज़ के पीस कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तो जो बड़े साइज़ के पीस रहते तो वो ठीक तरह से पीसते नहीं, इसलिए स्मॉल साइज़ के पीस यहाँ पे करना है आपको। और फ्रेंड्स, आम का रस किसको पसंद नहीं आता, बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और इसको ना पूरी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने यहाँ सारा काट लिया है आम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमारे घर में सबको मीठा पसंद है, तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ, और जो कटे हुए आम हैं उसको ऐड करना है। एक बार ग्राइंड कर दीजिए मिक्सर में, और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, और फिर से एक बार ग्राइंड कर लीजिए। इसी तरह से सारा आम रस मैं निकाल लूँगी और उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितना येल्लो कलर आया है, और यहाँ पे कितना पतला करना है, गाढ़ा करना है, ये आप अपने हिसाब से करिए। थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, और मैं अब यहाँ पे मैंने सेवई के लिए पानी मंडाया है, और वाटर बॉईल हो गया है, उसके बाद में उसमें सेवई डाल दीजिए, और एक बार बॉईल होने दीजिए सेवई को। बस सेवई जल्दी ही पक जाती है, छन्नी में निकाल लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दीजिए, क्योंकि सेवई फिर उससे थोड़ा खिली खिली बनती है। और देखिए मैंने फ्रिज से आमरस को निकाल लिया हूँ, और देखिए फ्रेंड्स कितना क्रीमी जैसे लग रहा है, आइसक्रीम से कुछ कम नहीं लगने वाला है ये आम का रस। तो मैंगो आइसक्रीम भी बनती है, मैंगो मिल्क शेक बनता है, मैंगो का पेड़ा भी बनता है, इस रस से बहुत सारी चीज़ें बनती है। आपको जो पसंद है वो बनाइए, पर एक बार इस सेवई के साथ में आपको ऐसा रस घर में बना के देखना है और टेस्ट करना है, और मुझे बताना है कमेंट्स करके कि कैसा लगता है। अगर आप 1-2 कटोरी इस सेवई के साथ में रस को खा लिए तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये सेवई गेहूं के आटे से बनी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना एक बार मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं।